नमस्कार दोस्तों, इस और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जैपनीज टेक्नोलॉजी की तरफ से एक और नया प्रोडक्ट होंडा की तरफ से आने वाली एलिवेट लेकर के आपके लिए हाजिर हैं। एलिवेट एसयूवी कैटेगरी के अंदर क्रेटा जैसी जो महादिग्गज गाड़ियां हैं उनको भी टक्कर देने के हिसाब से इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया और बहुत ही ज़बरदस्त वाले फीचर इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अगर आप किसी भी गाड़ी को परचेज करने का प्लान बना रहे हैं एसयूवी कैटेगरी में, तो एक बार एलिवेट के लिए विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और विजिट करने के लिए अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। उसके अलावा अब शुरुआत करते हैं। तो ये एलिवेट है, एलिवेट को सब फॉर्मेटिव सेगमेंट से थोड़ा सा ऊपर की ओर लॉन्च किया गया है। सब फॉर्मेटिव सेगमेंट में ये गाड़ी नहीं आती है। उसके अलावा इसके अंदर 1.5 लीटर वाला आईवी टेक जो इंजन होंडा की तरफ से आता है वही इंजन आपको मिलता है। 121 बीएसपी की पावर और 145 एनएम के बहुत ही जबरदस्त फीचर्स के साथ में जबरदस्त प्राइस के ऊपर सेगमेंट में लॉन्च की गई थी। 10,99,900 के प्राइस पे जहां आज आपको एसयूवीज के नाम पे के खाली डब्बा मिलता है, वहीं पर होंडा एलिवेट के अंदर बहुत सारे फीचर आपको इसके अंदर मैनुअल के अलावा सीवीटी का ऑप्शंस भी आप और डिस्कशन कर लेते हैं। तो गाड़ी के अंदर चार वेरिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं। चार वेरिएंट्स की बात करें तो उसमें एसवी, वी, वीएक्स और जेडएक्स। एसवी को छोड़ करके बाकी सभी के अंदर आपको सीवीटी मिल जाता है। 6 स्पीड मैनुअल के साथ में 7 स्पीड सीवीटी का ऑप्शन बात करेंगे तो यहाँ पर बीच में आपको होंडा का लोगो मिलेगा बीच में और बड़ी सी ये ग्रिल रखी गई है साथ में जो हल्का सा क्रोम का काम किया गया है। इसके बाद में तो गाड़ी बढ़िया लग रही है, लेकिन जो सबसे रिवोल्यूशनरी काम है वो यहाँ पर है। जहाँ पर लोगों को लाइट में बहुत परेशानी होती है वहाँ यहाँ पे आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूनिट दे दी गई है। पूरी की पूरी एलईडी यूनिट है। अगर मैं दिखाना चाहूँ यहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, आप आई होप प्रॉपरली इसको देख पा रहे होंगे। इस चीज़ को देख लीजिए, ठीक है, पूरी की पूरी। और साथ में टर्न इंडिकेटर विद डीआरएल्स भी आपको एलईडी में मिलते हैं। फोग लैंप जो है वो भी आपको प्रोजेक्टर के अंदर ही रखा गया है, सिंपल में नहीं है। हल्का सा काम यहाँ पे किया गया है, प्लास्टिक वर्क है सिंपल और कुछ नहीं है। सिल्वर कलर की फ्रंट में स्किड प्लेट आपको मिलती है। उसके अलावा नीचे की तरफ एयर इनटेक का गाड़ी के अंदर एडास लेवल 2 के फीचर आपको देखने को मिलते हैं। उनके अंदर बैठ करके बात करेंगे एक एक की। बाकी फ्रंट से जो बॉक्सियर लुक गाड़ी को देने की कोशिश की गई है उस बॉक्सियर लुक के बाद में गाड़ी कुछ कुछ हद तक और भी ज़्यादा प्रीमियम हो चुकी है। और इंडियन कस्टमर्स के हिसाब से होंडा ने साइड प्रोफाइल के ऊपर मूव करते हैं तो साइड में यहाँ पर अगर बात करें तो गाड़ी के अंदर बड़े आपको ओआरवी मिलते हैं विद टर्न इंडिकेटर और एसीसी की गाड़ी के अंदर ऑफर की जाती है जिसमें लॉक अनलॉक का मैकेनिज्म मिलता है और मैनुअल की गाड़ी के पीछे यहाँ पर रखी गई है। टायर पे मूव कर लेते हैं तो ये वाले आपको अलॉय व्हील मिलते हैं, बढ़िया लगते हैं। होंडा का लोगो बीच में मिल जाता है। उसके अलावा प्रोफाइल की बात करूँ तो 215/55 R17 के टायर गाड़ी के अंदर ऑफर किए जाते हैं। 215 की जो विड्थ है टायर की और 17 इंच के बॉडी टू टायर प्रोपोर्शन एक बार आप देख लीजिए, खुद जज कर लीजिए, आपको खुद ब खुद फील हो जाएगा कि बॉडी टू टायर प्रोपोर्शन कितना ज़बरदस्त है। उसके अलावा एलिवेट की वेजिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है विद क्रोम स्ट्रिप और क्रोम स्ट्रिप आपको थोड़ा सा ORVM के ऊपर मिलता है। लेन कीप असिस्ट का फीचर इसके अंदर यहाँ पर आपको मिलता है। क्रोम के साथ में डोर हैंडल मिल जाते हैं विद रिक्वेस्ट सेंसर और की से भी आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। उसको अलग ही कर दिया जो बहुत सारी जगह पर आपने देखा था कि आपको फील होता है कि इसको थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन इसने इसको अलग ही कर दिया है। नीचे की तरफ ब्लैक कलर की क्लैडिंग रखी गई है। उसके अलावा सिल्वर जो प्लेट है वो यहाँ पर भी आप गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। बाकी ऐसे कुछ यहाँ पर साइड में नहीं है। आप चलते हैं रियर प्रोफाइल की तरफ। उससे पहले ऊपर देख लीजिए, बड़े बड़े विंडो ग्लास एरिया मिलते हैं। रूफ रेल जो है वो सिल्वर और ब्लैक के कॉम्बो के साथ में दी गई है और साथ में आपको सनरूफ का ऑप्शन मिल जाता है। ए ग्लास, बी ग्लास और सी ग्लास तीनों ही ग्लास एरिया बहुत बढ़िया मिलते हैं, जिसकी वजह से अंदर जो एरीनेस है गाड़ी के अंदर वो ज़बरदस्त मिलती है। और तो यहाँ पर कुछ नहीं है, पीछे की तरफ सेम है। रियर प्रोफाइल में आए तो रियर प्रोफाइल में ऊपर से शुरुआत करते हैं। सार्क फिन एंटीना का ऑप्शन आपको मिल जाता है, वॉशर, डीफॉगर और वाइपर तीनों चीज़ का ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। और एलईडी टाइप ही आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिलते हैं, ये बहुत कम गाड़ियों के अंदर देखने को मिलता है। क्रोम जो दिखा रहा था बहुत ही सलीक तरीके से, मतलब एक प्रीमियम जो टच देने की कोशिश होती है उसी के तरीके से इसके अंदर जो क्रोम है उसको इंसर्ट किया गया है। आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं होगा कि क्रोम जो है वो एक्स्ट्रा है या फिर आपको परेशानी क्रिएट कर रही है, आपको ओल्ड लग रही है। क्रोम का काम बहुत बढ़िया लगा मुझे। बाकी रिवर्स फॉग लैंप और टर्न इंडिकेटर दोनों ही हैलोजन बेस्ड है। एलईडी बेस्ड आपको स्टॉप लैंप मिलते हैं। आईवी टैग की बैजिंग इधर दी गई है। उसके अलावा एलिवेट की बैजिंग यहाँ पर रखी गई है और तो कुछ नहीं है। रिवर्स पार्किंग कैमरे का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है विद कनेक्टेड लाइट और 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर का ऑप्शन मिल जाता है। और ये चीज़ आप देख लीजिए एक बार, आपको ऐसा लगेगा जैसे एग्जॉस्ट है लेकिन रियल एग्जॉस्ट तो नीचे की तरफ है, दीज आर जस्ट फेक डमी जो है, लेकिन जो डिज़ाइन एलिमेंट है पीछे से जो निकल के आता है इनकी वजह से वो बहुत बढ़िया निकल के आता है।
तो ऐसा साइज का रियर प्रोफाइल है। उस साइड चलते हैं तो 1.5 लीटर वाला जो इंजन है वो आपको पावर तो ज़बरदस्त निकाल के देता ही है, उसके साथ में गाड़ी की जो अपीरियंस है, रोड के ऊपर प्रेजेंस है, वो और भी शानदार आपको देखने को मिलती है। गाड़ी के अंदर 7 मोनोटोन कलर ऑप्शन मिलते हैं और 3 ड्यूल टोन कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं। ये सिंगल टोन वाला कलर है और गाड़ी का सबसे प्रीमियम। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में सबसे पहले गाड़ी को करते हैं अनलॉक। डबल ब्लिंक के साथ में गाड़ी अनलॉक होती है, यहाँ से भी आप कर सकते हो, की से भी कर सकते हो, 3 ऑप्शन आपको अनलॉक करने के लिए मिलते हैं। ये देख लीजिए इसका सबसे पहले इंटीरियर, जो ड्यूल टोन के अंदर गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर है वो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत निकल के आता है। इसके इंटीरियर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पसंद आने वाली है। सबसे पहले डोर से शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पर आपको ट्विटर का ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा इनसाइड डोर हैंडल सिल्वर फिनिश के अंदर, ऐसा कोई क्रोम का एलिमेंट नहीं रखा गया है, लेकिन सॉफ्ट टच यहाँ पर बढ़िया सा, मतलब यहाँ से क्लोज करने के लिए ऑटो का ऑप्शन 1 के अंदर ही है, बाकी सारी सिंपल मिलती हैं। और यहाँ पर देखोगे तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVM का ऑप्शन, लॉक अनलॉक मारसानी के सारे मास्टर कंट्रोल यहीं पर, 1 लीटर की बोतल आराम से रखी जा सकती है, थोड़ा सा स्पेस और है, स्पीकर ग्रिल आपको मिलती है, म्यूजिक सिस्टम गाड़ी के अंदर बहुत बढ़िया है। और सॉफ्ट टच ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यहीं पर देखने को मिलता है, सॉफ्ट टच गाड़ी के हर एक कॉर्नर में भरा हुआ है। और ये वाला जो थीम एलिमेंट है ये सीट के अंदर भी आपको वही डोमिनेंट मिलेगा। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच मिल रहा है, उसके अलावा डैशबोर्ड में यहाँ भी सॉफ्ट टच ठीक है, ऊपर की तरफ हार्ड प्लास्टिकल लेकिन सॉफ्ट टच, और ये जो वुडन एलिमेंट ऐड ऑन हुआ है इस वुडन एलिमेंट के बाद में और भी बढ़िया लग रही है। अंदर बैठते हैं तो अंदर बैठ के सबसे पहले आप एक नज़र गाड़ी के इंटीरियर पर डाल लीजिए। जो गाड़ी का इंटीरियर है वो आपको इस सेगमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर आपको एक लॉन्ग ड्यूरेबल इंटीरियर वाली गाड़ी चाहिए तो फिर ये आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन निकल के आता है। शुरुआत करते हैं स्टेयरिंग व्हील से ही। स्टेयरिंग व्हील पे होंडा का लोगो मिल जाता है, 6 एयरबैग मिल जाते हैं और सेफ्टी वाइज गाड़ी के अंदर बहुत कुछ काम किया गया है। और यहाँ पर आपको प्रीमियम फील करवाने के लिए जो नॉब है, वॉल्यूम नॉब, ये नॉब देख लीजिए आप, वॉल्यूम बटन्स देख लीजिए, मतलब यहाँ पर पूरा बढ़िया शानदार काम किया गया है। और यहाँ पर एडास लेवल 2 से रिलेटेड सारे के सारे आपको फीचर देखने को मिलते हैं। एक बार गाड़ी को ऑन करके देखते हैं तो वहां आपको और भी ज्यादा चीजें, इसकी 7 इंच की TFT कलर वाली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसके अंदर जो सुई है वो तो आपको एनालॉग मिलती है लेकिन बाकी जो सारा सिस्टम है वो सारा का सारा डिजिटल है। और इसका इल्यूमिनेशन वगैरह वो यहां से एडजस्ट किया जा सकता है, इल्यूमिनेशन जो है उसको कम ज्यादा करना हो उसके लिए स्पेसिफिक बटन यहां पर रखा गया है। इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है गाड़ी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको इसके अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया एनिमेशंस भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ कुछ चीज़ें रखी गई हैं। अब उसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं तो स्टेयरिंग व्हील पे ध्यान दोगे तो यहाँ आपको सारे के सारे लाइट से रिलेटेड कंट्रोल मिलेंगे, इधर सारे के सारे वाइपर से, चाहे फ्रंट हो और चाहे रियर वाइपर हो। यहाँ तो बता ही चुका हूँ लेदर रैप्ड के अंदर स्टेयरिंग व्हील आपको मिलता है और स्टेयरिंग व्हील की जो मोटाई है वो भी शानदार है, मतलब एक बढ़िया हाथ के अंदर फिट आ रहा है, ऐसे कॉन्फिडेंस वाला स्टेयरिंग व्हील है। पोजिशनिंग आप देख लीजिए, अगर आप एक प्रॉपर हाइट के ऊपर बैठे हैं तो बोनेट एज जो है वो आपको कंप्लीटली विजिबल होते हैं, और जो हल्का सा बोनेट उठा हुआ है उसकी वजह से साइड से जज करना गाड़ी को अब और भी आसान हो गए हैं। ये चीज तो वहां पर आपको देखने को मिलेगी। बीच में 10.25 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसके अंदर कुछ यहां पर बटन्स जो है वो फिजिकल बटन्स आपको देखने को मिलते हैं। इन फिजिकल बटन्स में अलग अलग चीजें हैं। AC यूनिट जो है वो गाड़ी के अंदर अच्छी खासी है, मैक्स कूल के साथ ही आती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है, ठीक है। AC यूनिट जो है वो स्लीक और बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग रखी गई है, और ये हेडअप टाइप की जो पूरी की पूरी डिस्प्ले है, इसकी ब्राइटनेस वगैरह है उसको भी आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिलते हैं, वो फीचर कभी और डिस्कस करेंगे अगर आपको कोई भी फीचर के बारे में जानना है, लेकिन अभी एक एक करके और फीचर्स की बात करते हैं। मुझे सबसे बढ़िया फीचर तो यही लगा है कि आप इसकी इल्यूमिनेशन को यहां से एडजस्ट कर सकते हैं, ज्यादा इल्यूमिनेशन करना हो नाइट के हिसाब से आप रख सकते हैं। नीचे आए तो नीचे यहां पे और बहुत सारी चीजें हैं। 6-speed का मैनुअल गियरबॉक्स जो मैं बता रहा था वो आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा यहां पर नीचे की तरफ आप देखोगे वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है, और वायरलेस चार्जिंग को ऑन ऑफ करने के लिए भी बटन स्पेसिफिक रखा गया है। 2 USB सॉकेट मिल जाएंगे, 12 वोल्ट का 180 वोल्ट का पावर सॉकेट यहां पर मिल जाएगा। बड़ा सा ग्लोव बॉक्स आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अपना थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। बीच में यहां पर देखें तो 2 ग्लास होल्डर का ऑप्शन आपको यहां पर देखने को मिलता है। उसके अलावा यहां पर देखोगे तो हैंड ब्रेक है, मैंने अपना मोबाइल रख रखा है तो ये मोबाइल आराम से उतना फिट नहीं होता है, ठीक है, यहां पे आप मोबाइल वगैरह नहीं रख सकते हैं, उसको यहीं पर पोजिशनिंग रखिए। अगर वायरलेस चार्जिंग नहीं है तो भी आप यहीं पर रख सकते हैं, वो चीज़ अच्छी है। अब यहां पर देखो स्पेस बढ़िया मिलता है इसके अंदर ग्लोव बॉक्स में,
इसको आगे पीछे सीट कंफर्ट और ड्राइवर सीट की बात करते हैं। तो सीट कंफर्ट तो आपको पता ही है होंडा के अंदर कैसा मिलता है, ठीक है। होंडा अपनी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, उस चीज़ के हिसाब से आपको पता ही है इसके अंदर। तो बड़े बड़े आपको हेडरेस्ट मिलते हैं, इतने बड़े हेडरेस्ट आज से पहले आपने नहीं देखे होंगे। और जितने भी वीडियोज़ होंडा एलिवेट से रिलेटेड देखी होगी, ये उनसे कुछ ना कुछ यूनिक होने वाली है, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नई नई पता चलेंगी। तो ऐसी सीट आपको मिलती है, सीट में जो ग्रिप है वो बहुत बढ़िया है, ग्रिप वाइज आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। और लेंथ वाइज जो है वो 6 फीट के बंदे के हिसाब से सीट बहुत लंबी है। जैसे मैं आपको दिखा दूं तो सीट की जो लंबाई है वो नॉर्मल गाड़ियों की बजाय इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको ज़्यादा ही मिलेगी। और सॉफ्ट टच एलिमेंट जो यहाँ पर आप देख रहे थे, उसके अलावा इधर भी देख लीजिए, इसके ऊपर भी आपको सॉफ्ट टच एलिमेंट बहुत ज़बरदस्त हर जगह पर देखने को मिलता है। इस वजह से इंटीरियर जो है वो आपको रिच फील करवा। तो ये था इसका सीट। उसके अलावा ऊपर की तरफ देख लीजिए तो यहाँ पर आपको सनरूफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सनरूफ को खोलना बहुत आसान है, जस्ट यहाँ से टिल्ट पुश कीजिए डोर, और ये लाइट से रिलेटेड है, डोर के ऊपर रखना है या ऑफ करना है। एलईडी टाइप इंटीरियर लाइट मिलती है गाड़ी के अंदर। ये हैलोजन बेस्ड लाइट का सेटअप कहीं पे नहीं है, पूरा का पूरा आपको एलईडी बेस्ड लाइट सेटअप ही देखने को मिलता है। और इसकी सनरूफ भी ऐसी बात नहीं है छोटी है, सनरूफ आपको बहुत बड़ी सनरूफ मिलती है। जो लोग सनरूफ के दीवाने हैं, भारत में हर 5 में से 1 गाड़ी है या 2 गाड़ी है वो सनरूफ वाली बिक रही है। तो उस हिसाब से आप देखोगे यानी कि 20-25% गाड़ियाँ सनरूफ है। तो अगर आपको सनरूफ पसंद है तो इसकी बहुत बड़ी सनरूफ आपको मिलती है। अगर मैं खोल के दिखाऊं तो सनरूफ देख लीजिए, 1 टच ओपन है, ठीक है, और आप आराम से सनरूफ का मजा ले सकते हैं। और 1 टच ही सनरूफ क्लोज है, ये बढ़िया है, बस इसको आपको बंद करना पड़ेगा। और जो दिक्कत आपने देखी थी कि बहुत सारी गाड़ियों में ये सॉफ्ट टच या कपड़े जैसा मिल रहा था, तो इसमें वैसा कुछ नहीं है, इसमें कोई कपड़ा नहीं है, प्रॉपर एक सनशेड ही लगाई गई है, क्योंकि इंडिया का टेम्परेचर तो आप जानते ही हैं किस हिसाब से है। यहाँ पर बात करेंगे तो आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन इधर आपको देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा इस साइड भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, ये दोनों ही तरफ। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट पर चलते हैं तो 6 वे के एडजस्टेबल के साथ में आपको ड्राइवर सीट देखने को मिलती है, लेकिन मिलती मैनुअल के अंदर ही है, ठीक है। ये थोड़ी सी आपको हो सकता है आपको इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक के बजाय मैनुअल में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और स्टेयरिंग व्हील आपको बताना भूल गया, टेलीस्कोपिक और टिल्ट दोनों ही वे से एडजस्टेबल है। उसका जो बटन है या हुक है वो यहाँ पर रखा गया है। उसके अलावा फ्यूल लीड को ओपन करना हो, फ्रंट बोनट ओपन करना हो, उसके दोनों यहीं पर मिलते हैं। और 220 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी के अंदर, वो तो आपको पहाड़ों वगैरह में तो मजा ही दिला देगी, और इसी वजह से तो ये अपने सेगमेंट में लीड बना करते हैं। क्लोज रियर सीट के ऊपर मूव करते हैं तो देखिए, जब आप फ्रंट सीट को पूरा पीछे कर चुके होते हैं तब आपको स्पेस दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर कितना सा मिलता है। फ्रंट सीट को देख लीजिए, मैंने पूरा रिक्लाइन कर रखा है और पूरा पीछे भी कर रखा है, तो उस हिसाब से स्पेस की बात करोगे तो इतना सा स्पेस मिलता है, यानी कि 6 फीट के बंदे के हिसाब से आराम से बैठा जा सकता है। यहाँ पर मैगजीन होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है, बीच में आपको हैंडरेस्ट विद कप होल्डर का ऑप्शन, और ये तो इसके मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया ही है, क्या चीज़, हेडरेस्ट, ठीक है। 3 पॉइंट के सीट बेल्ट मिलते हैं, 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन और बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है, और चाइल्ड एंड सीट के एंकर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा डोर के ऊपर नजर दोगे तो यहाँ पर आपको ट्विटर मिलेगा, नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल है, बोतल होल्डर का ऑप्शन, विंडो रोल डाउन करने का ऑप्शन, और इनसाइड। अब चलते हैं बूट के ऊपर, तो गाड़ी का जो बूट है वो अपने सेगमेंट में 458 लीटर का देखने को मिलता है। 458 लीटर का बूट इस सेगमेंट के अंदर बहुत ज़बरदस्त है और बहुत बड़ा बूट आपको मिलता है। बहुत सारी कंपनियाँ इतना ऑफर नहीं करती है। जो हैलोजन है वो सिर्फ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, एक जगह पर हैलोजन। अगर यहाँ भी कंपनी आपको एलईडी दे देती तो फिर आपको कहीं भी हैलोजन बेस्ड का तो सिस्टम ही नहीं मिलता। जो मैं बता रहा था 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन, वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। टॉप लेदर का ऑप्शन ऊपर की तरफ नोब दिया गया है, उससे आप कर सकते हैं। पार्सल ट्रे का ऑप्शन आपको गाड़ी के अंदर मिल जाता है। और ओपनिंग जो है बूट की, वो एक बार दिखाना चाहूँ तो आप खुद देखिए कितनी वाइड ओपनिंग आपको बूट की मिलती है, ठीक है, इसी वजह से। और अब बात करते हैं स्पेयर टायर की, तो गाड़ी के अंदर स्पेयर टायर जो है यहाँ एलिवेट का ये जो पूरा का पूरा सिस्टम पड़ा है, मतलब ये इसके नीचे लगवा सकते हो ट्रे वगैरह, टायर जो है वो ये मिलता है। और बाकी ये होती है टेक्नोलॉजी, देख रहे हो, मतलब जैक वगैरह या जितने भी टोइंग हुक है उनको एक डब्बे में डाल करके आराम से बढ़िया तरीके से पैक करके आपको दिया है, इसी को तो बोलते हैं हम, ठीक है। इसी के कारण तो इन गाड़ियों को पसंद किया जाता है और इनके दीवाने अपने। अगर आपका बजट 10 लाख से लेकर 16 लाख के बीच में और आप चाहते हैं एक बढ़िया सी एसयूवी लेना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म यूजेज आपके हैं, तो आप होंडा एलिवेट की तरफ एक बार जरूर मूव कीजिए। होंडा की तरफ से इसके अंदर जो बढ़िया चीज़ें मिलती है वो बताता हूँ।
सबसे पहले सेफ्टी वाइज गाड़ी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑफर की जाती है, 6 एयरबैग जो है और साथ में एडास लेवल 2 जैसी सेफ्टी देखने को मिल जाती है और 1.5 लीटर वाला आईवीटेक इंजन जो है वो सर्टिफाइड इंजन है, उसकी तो लोग कसमें ही खाते हैं भारत के अंदर। तो उन सभी चीज़ों के कारण आप होंडा एलिवेट के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। सेगमेंट के हिसाब से 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस और बढ़िया बॉक्सियर टाइप की रोड पे अपीयरेंस जो है वो गाड़ी की शानदार आने वाली है। अंदर बैठ करके देखोगे तो विजिबिलिटी भी है, बढ़िया है, आपको वो सारी चीज़ें फीचर्स जो है वो अप टू लेवल और अप टू मार्केट वाले सारे प्रोवाइड करवा रही है। साथ में नए टाइप के LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूनिट जो है उनका थ्रो भी बहुत शानदार है और गाड़ी का लुक तो है ही। इन सभी वजह से आप होंडा एलिवेट के ऊपर अगर अच्छा लगाओ तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।